जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथियों, सीआईटीएस सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस के लिए जो लिंक एक्टिवेशन होना था, जो कि ऑलरेडी जो है आप लोगों को हमने नोटिस दिया था, यहाँ पे आप देखोगे तो 16 जनवरी से लेकर के 29 तारीख तक जो है फी एक्टिवेशन लिंक का जो नोटिस था वो जारी था। बट आप लोगों के फीस लिंक था वो निमी पोर्टल पे, वो एक्टिवेशन नहीं हो सका था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो फी एक्टिवेशन लिंक जो जब अभी जाके एक्टिव हुआ है तो कितना आपको फीस देना है, कितना फीस भरना है, ऑनलाइन कैसे आप लोग जो है फीस पेमेंट कर पाओगे, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे nimi online admission.in जो पोर्टल है, अगर उस पर आप ओपन कीजिएगा तो ये जो लिंक है, ये देखिए फीस लिंक फॉर द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन ऑफ AITT अंडर CITS एनुअल सिस्टम 2023 जैन, ठीक है, क्लिक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे ये जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह का कुछ पेज खुलेगा, ठीक है। यहाँ पेज खुलने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, नोट कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका CITS बोल करके नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका CI करके होगा, ठीक है, CI। अब देखिए जो 21 सेशन के बच्चे थे जो फेल हो गए थे जो जो सब्जेक्ट्स में, वो अभी यहाँ पे अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए जो है CVT पेपर के लिए जो है यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपना फीस पेमेंट करेंगे। और जो है अपने कॉलेज से भी आप जरूर संपर्क जरूर किए होंगे, क्योंकि इस नोटिस में हम आपको पहले भी अपडेट दिए थे और बताए थे कि जिनका भी पेपर में बैक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉलेज में एक बार मिलना है। कॉलेज में भी एक ऑफलाइन फॉर्म भरवाया जा रहा था, उस फॉर्म को भी भरना था आपको, ठीक है। हमने आपको वीडियो दो दो वीडियो दिया था यहाँ पे, देख जैसे कि NSTI हावड़ा का ये फॉर्म था, ठीक है, इस फॉर्म को भी भरे होंगे जो भी कैंडिडेट्स, ठीक है। तो चलिए ठीक है, और नहीं भी अगर भरे होंगे, अगर आज मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कॉलेज तो पहले भैया सबसे पहले संपर्क कीजिए, आप लोग कॉलेज से हमेशा जो है अलग मत रहा कीजिए अगर फेल हैं कोई सब्जेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे हम बता दें आप लोग को, देखिए जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 200 रुपये फीस पेमेंट देना होगा, और दूसरी बात कि कुछ एडिशनल चार्जेस भी लगेंगे 30-32 रुपये, जो कि आपका बैंक ट्रांजेक्शन फीस हो सकता है। STSC के लिए देखिए 50 रुपया लगेगा, ठीक है, 50 रुपया। सेकेंड अटैम्प्ट मतलब कि पहला बार अटैम्प्ट आप दिए थे तो फेल थे, सेकेंड अटैम्प्ट में आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, STSC के लिए 50 और जनरल कैटेगरी के लिए 200 रुपया, बट 232 रुपया समथिंग पेमेंट लग रहा है, ठीक है। तो चलिए यहां पे मैं आप लोग को दिखा दूं, सबसे पहले तो ये वाले पार्ट पे आप आ गए हैं। और एक बात हम इस पर करेंगे कि क्या जो भी फीस जो फिलअप करने का जो डेट था, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ऑफिशियल नोटिस था इसमें दिया गया था 29 तारीख तक ही डेट दिया गया था, ठीक है, बट यहाँ पे एक्टिवेशन ऑलरेडी जो आपका 27 तारीख से ही हुआ है, कल से मतलब हुआ है। तो इसमें जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो डेट्स है ना, भी थोड़ा बहुत डेट्स में भी बदलाव हो सकते हैं सभी में। अभी देखिए यहाँ पे जो डेट्स है, ये 29 तारीख का डेट में भी अभी कल तक ही सिर्फ फीस पेमेंट का डेट नहीं रहेगा, लगभग सप्ताह भर जरूर देगा, ठीक है, आपको फीस पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो मैपिंग वगैरह सबका भी डेट बढ़ना चाहिए, फिर यहाँ पे जनरल आपका जनरेशन ऑफ हॉल टिकट इसका डेट बढ़ना चाहिए, हॉल टिकट का डेट, सभी जो है डेट प्रभावित हो जाना चाहिए। पर फिर भी जो भी अपडेट आएगा आपको जरूर अलर्ट करेंगे, ठीक है, आप लोग बने रहिएगा चैनल के साथ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फीस पेमेंट कर लेते हैं, कैसे फीस पेमेंट करना है, यहाँ पे CI में डाल देता हूँ, ठीक, कैपिटल में CI। तो यहाँ पे हमने एंट्री कर ली है, और यहाँ पे अपना देख लीजिएगा एडमिट कार्ड पता कर लीजिएगा, उसमें CI नंबर डाल करके यहाँ पे कैप्चा को डाल के यहाँ पे अपडेट इन्फो एंड पे फीस वर्सेस वाले सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे 949, ऐसे करके इस पर आप बात भी कर सकते हो कुछ अगर ट्रबल हो रहा है तो, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं आगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए कि आप लोग अगर कुछ इसमें डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं, देखिए दिया है चेक एडिट फिल एंड कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन, मतलब कि यहाँ पे आप अपना डिटेल्स देखो, अगर जो जो डिटेल्स अगर फिलअप नहीं किए हैं तो फिलअप कर दो, या फिर अगर कुछ चेंजेस करने तो यहाँ चेंजेस आप कर सकते हो, एडिटेबल है यहाँ पे। और नीचे भी जो है कुछ पार्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, इन सारे चीज़ अगर आपके सही है तो ठीक है, नहीं तो अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट फॉर पेमेंट इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया है पे अप्लीकेशन फीस, ठीक है, और यहाँ पे कोई डिटेल्स आपको बदलने नहीं है, ठीक है, अब बदलाएगा भी नहीं। यहाँ देखिए TID नंबर है, अप्लीकेशन रेफरेंस ID, ये रहा अमाउंट आपको यहाँ देखिए दिख जाएगा, जैसे ये जो है STSC कैंडिडेट इसलिए इनको 50 रुपया लग रहा है, आप अगर जनरल OBC में आते तो यहाँ पे 200 रुपया यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, तो यहाँ टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे बिलिंग नेम आपका यहाँ पे नाम रहेगा,
फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बिलिंग सिटी है, बिलिंग स्टेट है, बिलिंग जीप है मतलब कि पिन कोड, फिर बिलिंग कंट्री इंडिया, उसके बाद फिर आपका टेलीफोन नंबर यहाँ पे और ईमेल एड्रेस फिर से, ठीक है। और यहाँ पे पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं कि अगर आपका जो है फेल्योर हो जाता है, पेमेंट कट गया, वो जो है ऑटोमेटिकली जो है आपका 24 घंटे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आज आपका सीसी एवेन्यू जो आपका जो पोर्टल जहाँ से कि आपका पेमेंट कटेगा, वो वहां से जो है आपको एक कंफर्मेशन मेल जाएगा, ईमेल, यही ईमेल पे आपको एक मेल जाएगा कि हाँ आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है। सक्सेसफुल अगर मैसेज आता है दैट मीन्स कि आपका फीस पेमेंट हो चुका है, अगर नहीं आया तो फिर आपको वेट करना होगा, कंप्लेन भी कराना पड़ सकता है, ठीक है। बट फीस पेमेंट का कंफर्मेशन मेल जरूर आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे नाउ पे क्लिक करते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए दिखाना चाहते हैं बिलिंग इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स है, उसके बाद फिर यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स है, ये सारा कितना यहाँ अमाउंट लगने वाला है, टोटल अमाउंट भी यहाँ दिखाया जा रहा है। के बाद जब आप नीचे बढ़ोगे तो जस्ट नीचे में देखिए पेमेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखिएगा, तो पेमेंट इंफॉर्मेशन में आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे नंबर डाल करके आप चाहे तो कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड का भी यहाँ ऑप्शंस दिखेंगे आपको, डेबिट कार्ड नंबर डाल दीजिए, एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह डाल करके सीवीवी नंबर डाल के पेमेंट 50 रुपये कर दीजिए, या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप कर सकते हो, देखिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। और फिर कैश कार्ड सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है, देखिए साथियों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे बेस्ट है यूपीआई। और यूपीआई में भी क्या कीजिए आप, ठीक है, यहाँ यूपीआई में आप पे बाय क्यूआर कोड कीजिए, ठीक है, पे बाय क्यूआर कोड में इस वाले सेक्शन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए आ जाएगा मेक पेमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा साथियों, देखिए ये आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो है QR कोड आ गया। अब क्या करना है, आपका जो QR कोड आया रहेगा इसमें आप कुछ नहीं, सिंपली अपना फोन लीजिए, अगर आप सिस्टम से करें तो अच्छी बात है, अपने फोन से डायरेक्ट इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए और 50 रुपया जो है वो पे कर दीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप अपने फोन से ये सारे काम कर रहे थे, ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिए कि अपने किसी मित्र का ले लीजिए, फोन पे, गूगल पे, फिर जो है अमेजन पे, कोई भी ले लीजिए, और फिर QR कोड को स्कैन करके जो पेमेंट करना है, जो भी यहाँ पर रकम दिखाया जा रहा है 50 रुपया या फिर 200 रुपया, वो पेमेंट कर दीजिए। ये पूरा प्रोसेस यहाँ से खत्म हो जाएगा, 5 मिनट का समय मिलता है, आप 5 मिनट के भीतर इस काम को कर लीजिएगा, ठीक है। एक कन्फर्मेशन मेल आएगा, यहाँ पे भी आपको थैंक यू करेगा, मैं पेमेंट आगे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पेमेंट आया नहीं है इसका, नहीं तो मैं कर देता। चलिए आज के लिए साथियों इतना ही, आप लोग ऐसे ही अपना पेमेंट कर लीजिए, कुछ क्वेरीज रहता है तो आप मुझसे मुझे बोल सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे आप लोगों की सुविधा के लिए हमने यहाँ पे जो है ऑल इंडिया टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, 1500 लगभग कैंडिडेट हैं, आप यहाँ पे जुड़ करके अपने जो समस्याएं हैं उनको भी यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत सारे लोग, आप ही लोग के जो है बैचमेट्स भी यहाँ पे हैं, और जो है पहले ईयर के भी कुछ बच्चे हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से, आप जुड़ जाइएगा यहाँ पे, तो मिलते हैं आप लोग से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगले अपडेट में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और आप लोग की तैयारी के लिए हमने जो है CITS का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, POT का हो, चाहे सॉफ्ट स्किल का हो, चाहे आप लोग माइक्रो टीचिंग कैसे करें, इन सभी का वीडियो चैनल पर अपलोड है, जरूर चेकआउट कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने जो जूनियर्स जो आने वाले हैं उन लोग को भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।